हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू होम स्टाइल कुकिंग बाय पूजा। तो फ्रेंड्स, ठंडी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और आप देख सकते हो चैंप ने भी मेरे स्वेटर पहने हैं। तो आज हम ठंडी के लिए एकदम गर्मा गर्म टोमेटो सूप की रेसिपी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी। मैं तो सूप पे चल तुला चल टोमेटो सूप बनूंगी। चल फ्रेंड्स, टमाटर का सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 बड़े साइज के और एकदम लाल कलर के टमाटर लिए हैं। और इसको मैंने टमाटर को ऐसे 2 हिस्सों में कट करके लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 गाजर लिया है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हरे फ्रेश धनिए के सिर्फ डंठल निकाल के वो लिए है, उससे ये सूप में एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, तो कुकर में मैं ये जो टमाटर है वो ऐसे उल्टे साइड से रख दूंगी। एक के ऊपर एक भी रखोगे तो भी चल जाएगा। तो ये टमाटर मैं ऐसे क्यों रख रही हूँ इसका कारण मैं बाद में बताऊंगी। और अब ये गाजर भी डाल देती हूँ, लहसुन, अदरक और धनिए के डंठल। और इसी के साथ मैं 1/2 कप इसमें पानी डाल देती हूँ। और अब ये कुकर को मैं ढक्कन लगा के 1 से 2 सीटी निकाल देती हूँ। तो ये देखिए, कुकर की सीटी निकलने के बाद पूरा कुकर ठंडा हो गया है और आप देख सकते हो टमाटर एकदम अच्छे से गल गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये टमाटर ऐसे क्यों रखे थे, क्योंकि हमें इसका छिलका निकालना है। और आप देख सकते हो आसानी से ये छिलका अपने हाथ में आ जाता है। तो ये देखिए, एकदम आसानी से पूरा छिलका इसका निकल जाता है। तो इसी तरह मैं पूरे छिलके इसके अब निकाल देती हूँ और इसे और ठंडा करके मैं मिक्सी में इसकी फाइन पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने टमाटर और गाजर की एकदम फाइन पेस्ट बना ली है। तो चलिए अब हम इसे छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर सूप बनाने की एकदम सिंपल रेसिपी है। और अभी ठंडी बहुत बढ़ गई है, तो ऐसी ठंडी में अगर ये गर्मा गर्म सूप आप पियोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम थिक और स्मूथ प्यूरे बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जब तक अपने टमाटर की प्यूरे बन रही थी तब तक मैंने एक पैन में ब्रेड के ऐसे छोटे छोटे पीस करके उसको बटर में रोस्ट करके लिए है। तो यहाँ पे अपने एकदम क्रिस्पी क्रूटॉन्स भी तैयार हो गए, ये देखिए। तो सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ। और अब ये बटर में मैं डालूंगी ये लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 4 बड़ी बड़ी लहसुन की कलियाँ कद्दूकस करके ली है। तो फ्रेंड्स, आप मेरा यकीन कीजिए, बटर में गार्लिक भून के इसमें सूप बनाने से सूप का टेस्ट जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो अब ये गार्लिक को मैं हल्का सा ब्राउन कर देती हूँ पहले। और अब इसमें जाएगा ये टमाटर का प्यूरे। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर मैंने फ्रेश कूट के ली है। स्वादानुसार नमक और टेस्ट के अनुसार चीनी, मतलब कि आपको अगर स्वीट चाहिए तो आप चीनी उस हिसाब से डालिए। और अगर आप टैंगी फ्लेवर इसका पसंद करते हो तो चीनी आप कम डालिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना सूप एकदम थिक थिक दिख रहा है, क्योंकि हमने टमाटर उबालते समय बहुत ही कम पानी इसमें डाला था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ और सूप को अच्छे से अब उबलने देते हैं। तो यहाँ पे अपना सूप अच्छे से उबल गया है, तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाई है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा थिक सूप पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अब मैं इसमें ये स्लरी भी डाल देती हूँ। अपना सूप अच्छे से उबल गया है और आप देख सकते हो एकदम थिक थिक टमाटर का टेस्टी एंड हेल्दी सूप तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, यहाँ पे अपना ठंडी के लिए गर्मा गर्म हेल्दी सूप तैयार हो गया है। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका फ्लेवर एकदम टैंगी आता है, क्योंकि इसमें बटर और गार्लिक का एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और ये सूप के ऊपर डालेंगे हम क्रूटॉन्स। और आपने देख ही लिया कि क्रूटॉन्स घर पे बनाना भी कितना एकदम सिंपल है।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये कितनी एकदम सिंपल रेसिपी है लेकिन उतनी ही हेल्दी और ठंडी के दिनों में बहुत ही फायदेमंद है। और अभी टमाटर का सीजन चल रहा है तो टमाटर भी बहुत ही सस्ते मिलते हैं, तो आप ये रोज बना के पी सकते हो। और ये सूप बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, तो आप ये मेरी रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।